मौजूद सामईन कराम, आप सुन रहे हैं दियारे उर्दू चैनल पर प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद की किताब पंजाब का बंटवारा 1947, एक अलमिया हज़ार दास्तानें, बाब नंबर 16, मुल्तान डिवीज़न और रियासत बहावलपुर, सब हेडिंग पाकपतन। पाकपतन एक मशहूर शहर है। इसकी वजह शोहरत यह है कि इंतहाई काबिल एहतराम सूफ़ी बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर यहाँ मदफून है। खोसला रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकपतन में लूट मार 23 और 24 अगस्त को हुई और अगले रोज़ हिंदुओं और सिखों का काफ़िला यहाँ से रवाना हुआ। उसको चक दौला बाला में मुसलमान जेलदार ने रोका और ऐलान किया कि उसे डिप्टी कमिश्नर और एसपी पुलिस ने हुक्म दिया है कि काफ़िले में शामिल तमाम सिखों को मार डाला जाए। अलबत्ता हिंदू इस्लाम कबूल करके जाने बचा सकते हैं, लेकिन सिखों को मशरकी पंजाब में अपने हम मज़हब अफराद की करतूतों का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। हिंदुओं ने इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन जब भारतीय फ़ौज आई तो उन लोगों ने जाने का फ़ैसला कर लिया। ये वाक़या 29 सितंबर को पेश आया। मजमूई तौर पर पाकपतन में ज़्यादा जानी नुकसान नहीं हुआ। सैयद अफजल हैदर, जिनका बयान हम कबल अजी पेश कर चुके हैं, ने पाकपतन के वाक़यात का इन अल्फाज में अहाता किया है। सब हेडिंग सैयद अफजल हैदर। मेरे वालिद सैयद मोहम्मद शाह ने तहरीक आज़ादी के दौरान बरे सगीर के मुसलमानों की बेदारी में अहम किरदार अदा किया। वो पंजाब में मुस्लिम लीग के बानियों में से एक थे। अगरचे अकीदे के लिहाज से मेरे वालिद शिया थे, लेकिन वो मुस्लिम लीग की हिमायत के लिए नमाज जुमा के बाद सुन्नी मकतबा फ़िक्र की शहर की मरकज़ी जामिया मस्जिद में तकरीर किया करते थे। इसी तरह मेरी वालदा ख़वातीन, जिनमें गांव की औरतें भी शामिल थीं, को मुतहरिक किया करती थीं। पाकपतन में सबसे बाअसर हज़रत बाबा फरीद गंज शक्कर के मज़ार के सज्जादा नशीनों का दीवान ख़ानदान था। पाकपतन में हिंदुओं की बड़ी बड़ी जायदादें थीं। अच्छे रिहायशी इलाके भी हिंदुओं की मलकियत थे। उनका अपना बैंक था और पाकपतन की तिजारत मईशत पर मुकम्मल तौर पर उनका कब्ज़ा था। हिंदुओं के दीवान साहब के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, दूसरी तरफ मुसलमान गरीब थे। 1910 में मुसलमान जागीरदारों ने पाकपतन में स्कूल खोलने की मुखालफत की। इसके रद्द अमल में मेरे वालिद ने मुसलमानों को तालीम देने की तहरीक शुरू की। उन्होंने एक कोऑपरेटिव बैंक भी कायम किया। मेरे दादा 81 मुरब्बों 2025 एकड़ के मालिक थे, लेकिन उन दिनों ज़रई रकबे की आमदन इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, हत्ता कि ज़रई आमदन का टैक्स देना भी मुश्किल होता था। असल पेशा कारोबार और तिजारत में था। हकीकत ये है कि पाकिस्तान 14 अगस्त को नहीं बल्कि 15 अगस्त 1947 को कायम हुआ था। 15 अगस्त को मेरे वालिद के मुंशी अल्लाह दिता ने उन्हें इत्तला दी कि पाकपतन में एक फ़िरका वराना तसादुम हुआ ही चाहता है। उस वक्त वालिद साहब नमाज ज़ुहर अदा कर रहे थे। वो बरवक्त जाय वकूआ पर पहुंच गए ताकि तसादुम को रोका जा सके। एक तरफ हिंदू हथियार बंद खड़े थे तो दूसरी तरफ मुसलमान मोर्चा जन थे। कुछ रोज़ बाद हिंदू सुलेमान की बेराज के रास्ते भारत नकल मकानी कर गए। पाकपतन में मदूदे चंद हलाकतें हुईं। हिंदुओं के जाने के बाद उनकी जायदादें लूट ली गईं। एक हिंदू अपनी नौजवान बेटियों के साथ नहर के किनारे जा रहा था। जब वो बसीरपुर पहुँचे तो हिंदू को किसी ने हमला करके हलाक कर दिया और नौजवान लड़कियों को अगवा कर लिया। इस वाक्य से इलाके में सख्त इश्तहाल फैल गया। इस मौका पर एक मकामी सूफ़ी ने मुदाखलत की और लड़कियों को वापस उनके घर पहुंचाया। उन्होंने अगवा कुनिंदगान से कहा कि वो खुद इस बात का फ़ैसला
चंद रोज में करेंगे कि इन लड़कियों से कौन शादी करेगा। लेकिन अगले सुबह उस बुजुर्ग ने लड़कियों को सुलेमान की तक बाहिफाजत पहुंचा दिया और फिर सरहद पार करा दी। दूसरी जानिब सिख भारत से पाकिस्तान में दाखिल होने वाले मुसलमानों के एक काफले पर हमले का मंसूबा बना रहे थे। इस मौका पर वही लड़कियां आगे बढ़ीं और कहा कि उनकी जान रहमदिल मुसलमानों ने बचाई है और अगर किसी ने मुसलमान औरत को हाथ भी लगाया तो हम खुदकुशी कर लेंगी। इस धमकी से सिखों ने अपना इरादा तब्दील कर लिया और मुसलमान बखैरियत सरहद पार कर गए। ये कहानी हमें एक मुसलमान महाजिर ने सुनाई। सब हेडिंग बतूल बेगम। ब्रिगेडियर रिटायर्ड यासूब अली डोगर की वालदा मोहतरमा बतूल बेगम ने अपने वाले चौधरी मौला बख्श डोगर की ये कहानी सुनाई कि किस तरह उन्होंने सिख खवातीन और लड़कियों की जान बचाई जिन्हें उनके अपने ही ख़ानदान से ख़तरा था। 1947 के कत्ले आम हॉलोकास्ट के दौरान मेरे दादा जो उस इलाके के नंबरदार भी थे ने सुना कि उनके गांव चक 68 EB आरिफ वाला के उनके गांव चक 68 EB आरिफ वाला के करीबी गांव चक्की के सिख अपनी ख़वातीन को गारत के नाम पर कत्ल करने के दर पे थे। वो फौरन घोड़े पर सवार हुए और टापे भरते रवाना हो गए। तेज़ रफ्तारी में वो मिट्टी की दीवारें और दीगर रुकावटें भी फैलांगते गए। जब वो चक्की गांव पहुंचे तो उन्होंने गरज कर सिख सरदारों से कहा कि वो औरतों को नज़रें आतिश करने से बाज रहें। उन सिखों के लीडर जो मेरे वालिद का दोस्त भी था ने बताया कि वो इन औरतों को यहाँ छोड़ने या साथ ले जाने की सकत नहीं रखते क्योंकि उन्हें ख़तरा है कि भारत जाते हुए उन पर हमला होगा। लिहाजा अगवा या कत्ल या ज्यादती का ख़तरा मोल लेने से बेहतर है कि हम अपनी औरतों को अपने हाथों से नजरे आतिश कर दें। हम इलाके के चौधरी होने की हैसियत से अपनी बेहुरमती बर्दाश्त नहीं कर सकते। अलबत्ता मेरे वालिद ने सरदारों को यकीन दिलाया कि हम आपकी ख़वातीन को सिक्योरिटी फराहम करेंगे। उनके दलाइल से इत्तफाक कर लिया गया और सिख औरतों की जान बच गई। फिर वालिद ने उन लोगों को सुलेमान की बॉर्डर तक सिक्योरिटी फराहम की। इसी तरह हमारे ख़ानदान ने चीचा वतनी के करीब चेक नंबर 9 और चेक नंबर 10 के सिखों को सिक्योरिटी फराहम की। लेफ्टिनेंट कर्नल हरगोबीत डोगर जो मेरे वालिद के क्लास फेलो थे और उनके हाथ से ताल्लुक़ रखते थे को भी सरहद तक सिक्योरिटी दी गई। सब हेडिंग झंग मियांवाली डेरा गाजी खान और बहावलपुर रियासत। मगरबी पंजाब के आखिरी हदूद पर वाक़या इजला झंग मियांवाली शाहपुर मुजफ़रगढ़ और डेरा गाजी खान में मुसलमानों की गाली बकसरियत थी। हिंदुओं और सिखों की मजमूई आबादी 17% बनती थी। उनमें अक्सरियत हिंदुओं की थी जबकि सिख बहुत कम तादाद में थे। खोसला और SGPC रिपोर्टों में यहाँ 15 अगस्त के बाद के वाक़यात की लंबी तफसील दी गई है। यहाँ जानो माल का नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा रहा। खोसला रिपोर्ट के मुताबिक राजा सुल्तान लाल हुसैन 20 अगस्त तक मुजफ़रगढ़ का डिप्टी कमिश्नर रहा। उसके तबादले के बाद गैर मुस्लिम मकीनों पर वहशियाना तरीक़ों से हमले किए गए। सब हेडिंग झंग। खोसला रिपोर्ट में इल्ज़ाम लगाया गया है कि पंजाब मुस्लिम लीग के ओहदेदार पीर मुबारक अली शाह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जफरुल हक खान एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मोहम्मद अकबर और सिटी मजिस्ट्रेट हसनात अहमद ने गुंडों की मदद से हिंदुओं और सिखों को निशाना बनाया। फसादात 25 अगस्त को शुरू हुए। सब हेडिंग गुरदेव सिंह। मैं झंग मेन बाज़ार में अपने फ्रूट स्टॉल पर खड़ा था कि मुसलमान गुंडों ने बाज़ार को आग लगा दी। जहां बेशतर दुकानें हिंदुओं की थीं,
सिखों की चंद ही रेड़ियाँ थीं। मुझे तारीख याद नहीं क्योंकि मैं ख्वांदा नहीं हूँ, लेकिन पाकिस्तान बन चुका था। मुकामी हिंदुओं और सिखों ने उसी इलाके में रहने का फ़ैसला किया क्योंकि हमारे मुसलमानों के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। लेकिन फिर शाह जी पीर मुबारक शाह ने गुंडों को उकसाया। हालांकि इससे पहले अशूरा के मौका पर सिख और हिंदू मातमी जुलूसों में हिस्सा लेते थे और मुबारक शाह हमें दुआएं देता था, लेकिन अब वो उफरियत बनकर सामने आया। हमले के लिए राइफलें, नेज़े और लंबे छुरे इस्तेमाल किए गए। हमारे पास चूंकि किरपाने थीं इसलिए हम महफूज रहे, लेकिन हिंदू गैर मुसल्ला थे। उनको मुसलमानों ने बआसानी काबू कर लिया। कुछ हिंदुओं ने इस्लाम कबूल कर लिया जबकि बास मारे गए। मैं और मेरा कज़न बूटा सिंह कई रोज़ खेतों में छुपे रहे। हमारे इर्द गिर्द आग ही आग थी और लोग रोते रहे, रहम की दरख्वास्त कर रहे थे। हमारे इर्द गिर्द आग ही आग लगी थी और लोग रोते हुए रहम की दरख्वास्त कर रहे थे, लेकिन गुंडों ने किसी किस्म की रहमदिली नहीं दिखाई। हत्ता के बच्चों को कत्ल करके उनकी लाशें नेज़ों पर चढ़ाई गईं। हम रात को अपने ठिकाने से निकल आए और खाने को कोई खुराक तलाश करते या घास खाते। यूं हम दो हफ्ते तक जिंदा रहे। आहिस्ता आहिस्ता खेतों में छुपे हिंदू और सिख जमा होना शुरू हो गए और किसी मदद का इंतज़ार करने लगे। फिर एक अंग्रेज़ अफसर पुलिस के साथ वहां पर आया और जिंदा बचने वाले लोगों को जमा कर लिया। कुछ गैर मुस्लिमों ने मुसलमानों के घरों में भी पनाह ले रखी थी। तमाम मुसलमान बुरे नहीं थे। फिर हमें ट्रकों पर सवार करके सुलेमान की लाया गया, जहां से हमने भारत की सरहद पार कर ली। मेरा अपना कोई ख़ानदान नहीं था और मैंने अपने चचा के घर परवरिश पाई। वो पाकिस्तान बनने से कुछ अरसा पहले इंतकाल कर गए। उनकी बीवी तो बहुत पहले मर चुकी थी, लिहाजा मैं और मेरा कज़न ही भारत चले गए। मैं एतराफ़ करता हूँ कि बाद अज़ां हमने मशरकी पंजाब में सिख जत्थों में शमूलियत इख्तियार कर ली। मुसलमानों पर कई हमले किए। मुझसे ये मत पूछना कि मैंने किसी को जान से भी मारा था या नहीं। कत्ल करना गुनाह है, लेकिन वो ज़माना भी बहुत बुरा था। हाँ, मैंने पहले फाजिलका और फिर मख्तसर में कई लाशें बिखरी देखी। सब हेडिंग बी आर लाल। मैं 15 मई 1925 को ज़िला झंग के गांव अहमदपुर सियाल के एक अरोड़ा हिंदू ख़ानदान में पैदा हुआ। मगरबी पंजाब में तिजारत ज़्यादातर अरोड़ा और खत्री ज़ात के हिंदुओं के हाथ में थी। हमारा भी अहमद सियाल में छोटा सा कारोबार था, जहां 90% आबादी मुसलमानों की थी। मैंने इस्लामिया प्राइमरी स्कूल में तालीम हासिल की, फिर DAV स्कूल में स्कॉलरशिप पर दाखिला लिया और खानेवाल से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। 1947 से पहले यहां कोई कशीदगी नहीं थी। अलबत्ता मार्च में झंग में हल्के फुल्के फसादात ज़रूर हुए थे। गड़बड़ का आगाज़ अगस्त के आखिर में हुआ और अहमदपुर सियाल भी उसकी लपेट में आ गया। एक हजूम ने हमारे घर का मुहासरा करके देही साख्ता बम फेंके, जिससे मेरे वालिद और भाई की मौत वाक़या हो गई। बाकी बचने वाले अहले खाना फ़ौज की निगरानी में लाहौर आ गए, जहां कुछ अरसे तक हम DAV कॉलेज महाजिर कैंप में रहे और फिर भारतीय सरहद अबूर कर ली। यहाँ ये वाजे नहीं कि महाजिर कैंप में या सरहद पार करके किसी ने मेरे भाई को छुरा मारकर कत्ल कर दिया। पता नहीं कि किसने ये काम किया। यूं तकसीम के दौरान मैंने अपने वालिद और दो भाइयों को खो दिया। हमें शदीद सदमे उठाना पड़े, लेकिन अब हालात बेहतर हो चुके हैं। यहाँ दिल्ली में मेरे कई मुसलमान दोस्त हैं। सब हेडिंग डेरा गाजी खान। कोसला रिपोर्ट ये बताती है कि डेरा गाजी खान में लोग नज़रिया पाकिस्तान से तकरीबन ला इल्म थे। हिंदुओं और सिखों की आबादी 12% थी।
तकरीबन तमाम गैर मुस्लिम हिंदू थे, अलबत्ता चंद सिख भी थे। यहाँ गैर मुस्लिमों का बड़े पैमाने पर कत्लेआम नहीं हुआ और लूटमार भी गैर मुस्लिमों के जाने के बाद हुई। एक गांव दाजल में 40 गैर मुस्लिमों को 13 सितंबर को कत्ल कर दिया गया, जबकि सितंबर ही में 27 घंजियान में गैर मुस्लिमों को ज़िबा किया गया। फिर डोगरा सिपाही आए और गैर मुस्लिमों को महफूज मकामात पर ले गए, लेकिन अक्टूबर तक भी गैर मुस्लिम डेरा गाजी खान में थे। 6 अक्टूबर को दावा से डेरा गाजी खान जाने वाली बस पर हमला करके 9 गैर मुस्लिमों को कत्ल कर दिया गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंग्लिश लिटरेचर के उस्ताद प्रोफेसर जे एम मनचंदा ने लाहौर से शाया होने वाला मेरा कॉलम पढ़कर मुझसे रابطہ किया। मुझे पता चला कि उनके ख़ानदान का ताल्लुक डेरा गाजी खान से था। मैंने जब मार्च 2007 को दिल्ली का मुख्तसर दौरा किया तो मैंने प्रोफेसर मनचंदा से मुलाकात की। मेरी तरफ से उन्होंने डेरा गाजी खान से ताल्लुक़ रखने वाले 2 मुअम्मर अफराद के इंटरव्यू किए और फिर 11-12 मार्च को मुझे भिजवा दिए। सब हेडिंग मनमोहन तनेजा। मैं प्रोफेसर मनचंदा ने 27 साल मनमोहन तनेजा से 7 मार्च और फिर 10 मार्च 2004 को मुलाकात की। उसने बताया कि जब तकसीम का ऐलान हुआ तो वो लाहौर में था जहां कशीदगी शुरू हो गई। सिखों ने मुसलमान शरपसंदों पर जवाबी हमले किए और रावलपिंडी में कुछ हिंदुओं ने भी घरेलू साख्ता बंदूकों से गोलियां चलाईं। चुनाचे हालात ख़राब देखकर मनमोहन वापस डेरा गाजी खान चला आया और किराए पर मकान लेकर रहने लगा। बुनियादी तौर पर उसका ताल्लुक रुझान से था, लेकिन उसने सिक्योरिटी के नुक्ता नज़र से शहर में रहने को तरजीह दी। रुझान उस ज़माने में पुरसकून इलाका था, लेकिन फिर भी हिंदुओं ने चंद बा असर मुसलमानों से अपने तहफ़ुज़ की ज़मानत हासिल कर ली, क्योंकि अखबारात में मुख्तलिफ़ इलाकों में फसादात की खबरें तवातर से आ रही थीं। तहसील राजनपुर के कस्बे उमरकोट से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ हिंदुओं ने यहाँ से इनखला के लिए ट्रक किराए पर किया, लेकिन रास्ते में उन्हें लूट लिया गया। चुनाचे मिस्टर तनेजा और उसके अहले खाना ने वहीं रहने का फ़ैसला किया, यहाँ तक कि गोरखा फौजी आए और उन्हें अमृतसर मुंतकिल कर दिया। मुझे प्रोफेसर मनचंदा मनमोहन के बयान से डेरा गाजी खान में फसादात का कोई इशारा नहीं मिला। ताहम देही इलाकों में गरीब मुसलमानों की तरफ से इक्का दुक्का तशद्दुद के वाकयात ज़रूर रोनुमा हुए थे। उम्मीद है कि आप मुसन्निफ मुफीद मालूमात हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। अगरचे मनमोहन ने मुझे कोई ठीक तारीख नहीं बताई, लेकिन उसकी बातों से लगता है कि वो कई हफ्तों तक डेरा गाजी खान में रहा। इसकी वजह ये थी कि डेरा गाजी खान पुरअमन इलाका था, या फिर उसने एहतियाती तदाबीर के तौर पर वहीं क़याम जारी रखा। उसका डीजी खान से अमृतसर तक का सफ़र कई मराहल में मुकम्मल हुआ और वह तकसीम के कई माह बाद भारत पहुंचा। उस वक्त तक भारत और पाकिस्तान दोनों हुकूमतों ने सूरत हाल पर काबू पा लिया था और तशद्दुद का खात्मा हो चुका था। सब हेडिंग डॉक्टर सत्यापाल बेदर। मैं प्रोफेसर मनचंदा आज डॉक्टर सत्यापाल से मिला। वो हमारी यूनिवर्सिटी के शोभा हिंदी से तकरीबन 10 साल पहले रिटायर हो गए थे। वो एक मुनफरिद शायर हैं और ऑल इंडिया रेडियो के शोभा बैरूनी सर्विस के सराइकी ज़बान में प्रोग्राम करते थे। डॉक्टर बेदर डेरा गाजी खान से 18 मील दूर वाकया गांव जो कोतरा के रहने वाले थे। यहाँ फिरका वराना हम आहंगी की फ़िज़ा पाई जाती थी। उन्होंने बताया कि अगस्त 1947 के आखिर के बाद से उनके इलाके में काफ़ी कशीदगी पैदा हुई। चुनाचे वो जान बचाने के लिए अक्टूबर में डेरा गाजी खान आने पर मजबूर हो गए। गांव में अगरचे 80% आबादी मुसलमानों की थी, ताहम तकसीम से कबल हिंदुओं का अकलियत के बावजूद
पलड़ा भारी था। यहाँ तशद्दुद के वाकयात में 25 हिंदुओं को कत्ल किया गया। गड़बड़ का आगाज उर्दू के अखबारात में शाया होने वाली खबरों से हुआ। उन्होंने जमींदार, मेलाब और प्रताप अखबारात का नाम लिया। इसके अलावा नवाब जमाल खान लगारी और दीगर मुस्लिम लीगी लीडरों के प्रोपेगेंडे ने भी जल्दी पर तेल का काम किया। हिंदुओं को ये चॉइस दी गई कि वो इस्लाम कबूल कर लें और अपनी बेटियां मुसलमान नौजवानों के निकाह में दे दें। उन्होंने बताया कि करीबी देहात से हिंदुओं की डेरा गाजी खान को नकल मकानी की वजूहात में हिंदू खवातीन के अगवा की वजह भी शामिल थी। चूंकि डिप्टी कमिश्नर एक अंग्रेज़ था, इसलिए उसने मामलात को बिगड़ने से रोका। डॉक्टर सत्यापाल बेदर वहां 1.5 महीने के लगभग रहे और नवंबर में गोरखा फौज की मैयत में दरियाए सिंध की दूसरी तरफ और आगे रवाना हो गए। गोरखा फौजियों ने खबरदार किया कि जिसने भी फसादात करने की कोशिश की उसे गोली मार दी जाएगी। एक मौका पर 7,000 मुसलमानों ने शहर का मुहासरा कर लिया। महाजरीन ने पहले फौजी ट्रकों पर और फिर ट्रेन के ज़रिए सफ़र किया और वाघा बॉर्डर पार करते ही सुकून का सांस लिया।